अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी फोटो को पीएनजी में किस तरीके से बनाना है। ये बहुत ही आसान मेथड है जिसके जरिए से आपने अपनी फोटो को पीएनजी इजीली बना लेना है। बहुत से लोग आपको बताएंगे कैपकट में जाकर पीएनजी बनाना सिखाते हैं, लेकिन वहां जाकर थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। आज मैं आपको ऐसे आसान मेथड के जरिए बताऊंगा कि जस आपने सिर्फ एक बार क्लिक करना है और आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है फौरन रिमूव हो जाएगा और आपकी फोटो पीएनजी में आ जाएगी। और आप अपनी पीएनजी फोटो को लेकर जाएंगे पिक्सल लैब के अंदर, वहां जाकर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो थंबनेल के ऊपर आप अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी फोटो को पीएनजी में किस तरीके से लेकर आना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। जो आपका गूगल क्रोम होगा आपने उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सर्च बार की ऑप्शन। आपने यहां लिखना है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड लिखेंगे तो आपके सामने ये शो भी हो रहा है रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अपलोड इमेज। मैंने यहां जिस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है उसको पीएनजी में लेकर आना है तो मैं उस इमेज को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने यहां से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। जस आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये देखें आपके सामने ये शो हो रहा है मेरा बैकग्राउंड खुद बहुत यहां से रिमूव हो रहा है। आपने यहां थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये फ्रेंड आपके सामने मेरा बैकग्राउंड यहां से रिमूव हो गया है। और आपने नीचे से ये ऑप्शन है डाउनलोड की, आपने यहां से डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे मेरी पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, ये बैकग्राउंड पहले जो था उसके बाद रिमूव हो गया है। तो फ्रेंड, अब मैं इसको पिक्सल लैब पर किस तरह से लेकर जाऊंगा। मैंने इसको बंद कर दिया। अब आपने खोलना है पिक्सल लैब। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो सबसे पहले आपने अपनी पिक्सल लैब को इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरी पिक्सल लैब ओपन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब यहाँ अपनी पीएनजी को लेकर आना चाहता हूँ तो आप ये नीचे देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है, इसके साथ ये सर्कल की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ ये नीचे शो हो रहा है इम्पोर्ट की ऑप्शन। आपने इस इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये थंबनेल बना हुआ है, आपने इम्पोर्ट पर क्लिक किया और जो पीएनजी वहां से आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव किया था आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए, ये वाली मैंने की थी बैकग्राउंड रिमूव, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक किया गुड पर क्लिक किया। ये देखिए आपके सामने ये मेरी पीएनजी फोटो यहां आ गई है। ये बहुत ही आसान मेथड है। सिर्फ आपने क्या किया, गूगल में गए हैं, रिमूव बैकग्राउंड लिखा, उसके बाद आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट किया तो गूगल ने खुद बहुत ही आपका बैकग्राउंड, आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपने इजीली अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है और पिक्सल लैब में अपनी पिक्चर को लेकर जाना है अगर आपने थंबनेल बनाना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको मेरी ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।